आज कल शाम के 5 बजे से आज शाम के 5 बजे तक जो कुल कोविड 2019 के पॉजिटिव केसेस गुजरात में आए हैं 230 जितने हैं 230, और आज 31 जितने लोग हैं जो बिल्कुल अच्छे होके डिस्चार्ज होके घर वापस चले गए हैं, और आज 8 ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है कोविड की वजह से, जिसे हम कहेंगे कि प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ, प्राथमिक वजह कोविड से है, ऐसे मान सकते हैं। लेकिन 10 ऐसे लोग हैं जिनका भी दुखद मृत्यु हुआ है, पर इसमें उनको अन्य गंभीर बीमारियां पहले से थीं और कोविड का भी अभी जब टेस्ट किया गया पॉजिटिव निकला। फिर आज जो केसेस जिस जिस जिलों में हैं, 230 टोटल केसेस हैं, अहमदाबाद में 178, सूरत में 30, आणंद में 8, बनासकांठा 1, गांधीनगर 2, खेड़ा 1, नवसारी 1, पाटन 1, राजकोट 4 और वडोदरा 4। इसके अलावा ये कहना चाहेंगे कि अभी तक के कुल जो पॉजिटिव केसेस हैं हमारे 3301, वेंटिलेटर पर 27 जितने लोग हैं, स्टेबल 2810, 313 जितने लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, 151 लोगों की मृत्यु हुई है, और रोज जितने भी लोग वेंटिलेटर पर हैं या सीरियस हैं उन सबका टेलीमेंटरिंग होता है। और गुजरात ने खास करके अवेक प्रोनिंग यानी कि प्रोन पोजिशन में अपनी पेट पर जब वो जागते हैं वेंटिलेटरी केयर पर, अगर पेशेंट्स को उस पोजीशन में रखा जाए तो उससे ऑक्सीजन को मिलने में उन्हें काफ़ी सुधारा होता है, ऐसे रिसर्च के अनुसंधान के रिजल्ट्स पाए गए हैं। तो ये भी गुजरात में अब कई सेंटर्स में हो रहा है और इसका रोज़ाना टेलीमेंटरिंग हमारी पूरी तजज्ञों की टीम करती है, एक एक पेशेंट का कैसे उनका ट्रीटमेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वगैरह, और हमारी पूरी कोशिश है कि ट्रीटमेंट जितनी हो सके अच्छी हो। और इसकी वजह से हम ये अच्छी ये भी बात कह सकते हैं कि अभी तक जो डिस्चार्ज होके घर गए हैं उसमें से कई ऐसे लोग हैं, जैसे 40 जितने लोग हैं कि जो कोमॉर्बिड होने के बावजूद डिस्चार्ज होके गए हैं, और इस कोमॉर्बिडिटी में यानी कि अन्य गंभीर बीमारियाँ जो होती हैं इसमें बहुत हाई ब्लड प्रेशर भी है, ऐसे लोग थे कि जिसमें जिनको किडनी की बीमारी थी, डायबिटीज़, हाई शुगर भी था, हार्ट की प्रॉब्लम्स थी, थायराइड के प्रॉब्लम्स थे, और होने के बावजूद वो अच्छे से ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्ड करके डिस्चार्ज होके घर वापस चले गए हैं। और अभी तक के जो कुल टेस्ट्स हैं 51,091 जितने टेस्ट हुए हैं, और कुल पॉजिटिव 3301, और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट्स अभी तक कुल 6,509 जितने किए गए हैं। तो इस तरह से आज की इन्फॉर्मेशन है। खास सबसे अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सभी अगर आरोग्य सेतु ऐप अपनाएं, अपने मोबाइल्स पर रखें, काफ़ी इस नंबर में इम्प्रूवमेंट हुई है हमारे यहाँ पर, और भी इसको इम्प्रूव करने की गुंजाइश है। और इसके साथ साथ फिर से अनुरोध करेंगे कि हमारे जो वृद्ध लोग हैं और हमारे जो घर में बड़े लोग हैं जो जिनकी उम्र बड़ी है, उन सबका खास हम ख्याल रखें, और जितने लोगों को अन्य गंभीर बीमारियां हैं इन दोनों कैटेगरीज का अगर ख्याल रखें तो हम इंश्योर कर सकते हैं, सरकार चिंता कर रही है कि ऐसे लोगों को संक्रमण धीरे धीरे ये फैलेगा ही, बस इसकी हम गति को कम कर रहे हैं, इसकी जो व्याप है उसे हम उसकी रफ्तार को कम कर रहे हैं। लेकिन इसमें खास करके जो एल्डरली लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं और जिनको और अन्य गंभीर बीमारियां हैं, उनको तुरंत ही ऐसे कुछ होते ही अगर हम अस्पताल में ले आएँ तो उनकी चिकित्सा होके वो अच्छे होके घर वापस जा सकते हैं, ऐसे केसेस भी हैं, और डिले करें तो इसकी संभावना घट जाती है। और इनको खास एक सुरक्षा कवच घर से घर के अंदर ही इनको अगर थोड़ा सा इंसुलेट करके रखें तो और बेहतर होगा। तो इस तरह से फॉलो करेंगे खुद का सुरक्षा कवच भी। नमस्कार।